नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गाजीपुर बाहुबली मुख्तार अंसारी पर फैसला टला, अब अगली तारीख 15 जुलाई को नियत की गई। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां MPMLA कोर्ट से आज बाहुबली मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में फैसला आना था, लेकिन माननीय न्यायाधीश MPMLA कोर्ट के 10 दिनों के अवकाश और अधिवक्ताओं के स्ट्राइक को लेकर फैसला टल गया है। अब मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में 15 जुलाई को फैसले की तारीख नियत की गई है। इस बात की जानकारी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने दी है। दरअसल गाजीपुर की MPMLA कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश पांडेय की अदालत ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में पिछले दिनों सुनवाई की थी। इस दौरान गैंगचैट में शामिल दोनों मामले में दोषमुक्त होने का मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने पत्र पेश किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका अवलोकन करने के बाद 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन माननीय न्यायाधीश MPMLA कोर्ट के अवकाश पर जाने की वजह से फैसले की अगली तिथि 15 जुलाई नियत की गई है। इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि वर्ष 2009 में करंडा थाना के सबावा निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में मुख्तार अंसारी को 120B के तहत आरोपी बनाया गया था, जबकि मुख्तार अंसारी 2005 से लगातार जेल में बंद है और दोनों घटना के दौरान मुख्तार अंसारी उस समय भी जेल में बंद थे। घटना के बाद में मुख्तार अंसारी को 120B के तहत आरोपी बनाया गया था। हालांकि मुख्तार अंसारी दोनों मामलों के मूल मुकदमे बरी है। इन दोनों मामले को लेकर 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया है, उसी मामले आज फैसला आना था, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय MPMLA कोर्ट के 10 दिनों के अवकाश पर जाने की वजह से फैसला टला है। अब फैसले की अगली तारीख 15 जुलाई को नियत की गई है। 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे। जानकारी के मुताबिक 2009 में हुई कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुका है। वही 2009 में ही मुख्तार अंसारी पर मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। संवाददाता हामिद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, आज जो मुकदमा लगा था मुख्तार अंसारी के विरुद्ध, वो थाना करंडा का एक मुकदमा उसमें कायम हुआ था गैंगस्टर एक्ट का। इसमें गैंग चार्ट में दो मुकदमे दर्शाए गए हैं। एक मुकदमा तो 2/4/2009 को सुआपुर गांव थाना करंडा के कपिलदेव सिंह की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उसमें जो है FIR में मुख्तार अंसारी नामजद नहीं थे और वो जेल में थे उस समय। उनको बाद में 120B का अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें कि 2011 में मुख्तार अंसारी और चंदन यादव दो लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया था। और एक मुकदमा जो गैंग चार्ट में था, वो 24/11/2009 को थाना मोहम्मदाबाद में मीर हसन वादी मुकदमा द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, हत्या का प्रयास के मुकदमा था 307 में। उसमें भी मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे और बाद में जो है दौरान विवेचना 120B में उनको अभियुक्त बनाया गया। उस समय भी मुख्तार अंसारी जेल में थे। मुख्तार अंसारी 25/10/2005 से लेकर आज तक लगातार जेल में निरुद्ध हैं और जेल में रहते हुए ही उनको 120B का मुलजिम बनाया गया था। तो उसी मुकदमे गैंगस्टर के मुकदमे में आज फैसले की तिथि लगी थी और माननीय अपर सत्र न्यायाधीश MPMLA कोर्ट महोदय रेसस अवकाश पर हैं 10 दिन के, और आज पीठासीन अधिकारी महोदय आज नहीं हैं, और उसमें 15 जुलाई तारीख नियत की गई है पुनः फैसले की। हाँ, हमारे सिविल बार एसोसिएशन के आदरणीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार रजिस्ट्री ऑफिस के विरोध में कल भी स्ट्राइक थी और आज भी स्ट्राइक है। सर, जो 17 मई को मुख्तार अंसारी क्या मामला था, कैसे? देखिए, जो 17 को जो फैसला आया था, वो मीर हसन जो 24/11/2009 को
FIR कराए थे मोहम्मदाबाद थाने में, तो उसमें जो है मुख्तार अंसारी को 120 बी में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो है